भाई क्या हाल है। पलवल ब्लॉक कर दिया इन्होंने तो, ये देख लो भाई नजारे, जो मैं कह रहा था ना पूरा पलवल ब्लॉक है भाई, पूरी पार्किंग खाली पड़ी है क्योंकि सारी गाड़ियां बाहर है, रोड पे गाड़ी लगेगी कहाँ पार्किंग। ओहो कंटेंट इज हियर, ये देखो। और अपनी स्कॉर्पियो खड़ी थी यहाँ, अब गाड़ी कहाँ गई। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन, एक और नई ब्लॉग में आप सभी का स्वागत। हेलो गाइज, हेलो करो, हेलो करो, हेलो गाइज। सो गाइज अभी हम जा रहे हैं एक शादी में, और शादी है भाई कालरा फार्म्स ओमएस के जस्ट सामने। तो अभी वहां पे जा रहे हैं विद फैमिली, पापा जी दीपक और मम्मी गए हैं आगे ब्रेजा के अंदर, और यहाँ पे जा रहे हैं मैं शिवी और भूमि। तो अभी भूमि का इंतजार कर रहे हैं, लेट लतीफ भूमि है बस जो रह गई है अंदर, उसके बाद निकलते हैं भाई शादी में। और हाल दिखाता हूँ आपको पलवल का, क्या हाल हुआ पड़ा है। पलवल फुल पैक्ड है भाई, फुल पैक्ड, और टाइम हो चुका है भाई 8:02। लेट्स गो, ओके लेट्स गो। तो भाई बस अभी शादी में जा रहे हैं, और एक और नई व्लॉग में आज मैं व्लॉग नाइट में स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे दिन हमने मैंने अब वीडियो की एडिटिंग करी, और सुबह थोड़ा बहुत काम था वो किया, उसके बाद अब शादी में जाना। तो भाई वही मैं तो नॉर्मल अपनी जैकेट और टी शर्ट डाल लिया मैंने, वही शादी वाले वो कोट पैंट मेरे को हर जगह नहीं डाले जाते। जब किसी पर्सनल किसी शादी में जाना हो, किसी दोस्त यार की हो, या फिर फैमिली में किसी के रिलेटिव की हो, तो भाई वो कपड़े पहने जाते हैं, अदरवाइज तो यही चलते हैं अपने कैजुअल्स। और धीरे धीरे भाई सर्दियां खत्म होनी शुरू हो चुकी है और गर्मियां आ गई है। दिन में तो भाई तगड़े वाली गर्मी होती है, नाइट में फिर भी ठीक रहता है वेदर की, तुम कोट काट डाल लो, मतलब जैकेट वगैरह थोड़े बहुत डाल लो, तो वही वाला हिसाब है। और बाकी यार गाड़ी अपनी बिल्कुल बढ़िया चल रही है, जब से इसका ये अलाइनमेंट वाली दिक्कत सही करवाई है। एक्चुअली इसमें दिक्कत क्या थी, अलाइनमेंट की भी दिक्कत थी, और दूसरा हैंडल, मतलब यार मैं बार बार हैंडल बोलता हूँ, स्टेयरिंग भी टेढ़ा हुआ पड़ा था, तो स्टेयरिंग भी इन्होंने सही किया था, दोनों चीजें करी थी करेक्ट, तब जाके ये बिल्कुल सही हुआ है। बाकी उन्होंने बोला कि 8-10 दिन में अगर कोई दिक्कत आती है दोबारा ले आना चेक कराने के लिए, तो फिर वो दोबारा लेके जानी पड़ेगी, अदरवाइज मेरे को लग रहा है कि वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो पहले ही जो बीच में प्रॉब्लम आई थी, और मे भी हो सकता है कि अलॉयज की वजह से भी दिक्कत आई हो, ऐसा बोल रहे थे वहां पे सर्विस कर रहा था जो बंदा, तो वो देखते हैं, वो पता चल जाएगी आपको। और क्या अपडेट था, बस यही अपडेट अभी के लिए, ठीक है। और हाँ संडे को अच्छा वाला व्लॉग आएगा, ठीक है, उसकी तैयारी चल रही है, उसके लिए टोइंग हुक लेके आऊंगा मैं कल, और गाड़ी को वॉश भी कराएंगे कल। भाई ये देख लो हाल, ये हाल तो ओमैक्स का है, और अभी हाईवे पे हम चढ़े नहीं है, हाईवे पे तो पता नहीं कितनी भीड़ मिलेगी, पूरा पलवल ब्लॉक है। एक दिन है आज का जिसमें शादियां इतनी ज्यादा हैं, जिसकी वजह से ये हाल हो गया भाई। और मैं बता रहा था भी, मेरा वो दोस्त है पवन, उसका फोन आ रहा था भाई कि कहां से निकाल के लेके आऊं, तो मैंने उसको रास्ता बताया था कि ओमैक्स के अंदर से बैक साइड में एक जोधपुर गाँव से आता है हतीर मोड़ से। तो भाई अपनी गाड़ी चल चुकी है 40,342, तो इसकी भी सर्विस करवानी है, 40,000 वाली सर्विस होनी है। बाकी ये देखो भाई सामने आप, गाड़ी पे गाड़ी, गाड़ी पे गाड़ी चढ़ी हुई है, और इसका रीजन यही है क्योंकि आज शादियां बहुत ज्यादा है, हमें मतलब दो शादियों में जाना है वैसे तो, पर एक में ही जाया जाएगा क्योंकि जो एक शादी वो सामने ही है, ओमैक्स के जस्ट बाहर निकलते ही, तो अभी वहीं जाने का प्लान है, दूसरी शादी कैंसिल ही करनी पड़ेगी, इतना जाम है, पूरा पलवल ब्लॉक हो चुका है शादियों की वजह से। चलो पहुंचते हैं जल्दी से एक शादी में और देखते हैं हिसाब किताब क्या है। तो जी गाड़ी पार्क कर दी है मैंने यहाँ पे, ब्लैक बीस्ट हो चुकी है अपनी पार्क, अब जा रहे हैं शादी में पैदल पैदल, और आपको नजारे दिखाता हूँ बाहर के, देखो कैसा रास्ता ब्लॉक हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से भाई हमें ये काम करना पड़ रहा है। भाई क्या हाल है, अब की बार कट्टर सरकार पलवल ब्लॉक कर दिया इन्होंने तो, ये देख लो भाई नजारे, जो मैं कह रहा था ना पूरा पलवल ब्लॉक है शादियों के चक्कर में। भाई ये शादी में नहीं पहुंचेंगे, यही रात गुजारेंगे आज, यही गुजारेंगे। पहुंच गए अपने वेन्यू में, पर बहुत सारे लोग हैं जो आज पहुंच नहीं पाएंगे अपने वेन्यू में जहां जाने वाले हैं शादियों में, क्योंकि भाई हालत देख लो पीछे, ये देखो पूरा फुल पैक्ड है भाई, इतना गंदा हाल हो रखा है पलवल का। और मेन कारण होता है क्या है, क्योंकि एक तो जो हाईवे बन रहा है वो, उसकी वजह से रास्ते बहुत छोटे हो गए, नैरो हो गए पलवल के, और जाम लग रहा है जगह जगह, और दूसरा शादी है इतनी ज्यादा, तो 2-3 रीजन है जिसकी वजह से हाल हो रहा है। चलो फिर जल्दी शादी में चलते हैं, कुछ शादी का माहौल दिखाते हैं आपको, क्योंकि हम तो पहुंच गए भाई टाइम से। भाई पूरी पार्किंग खाली पड़ी है क्योंकि सारी गाड़ियां बाहर है, रोड पे गाड़ी लगेगी कहाँ पार्किंग। ये देखो दीपक कहाँ है, गोलगप्पे दीपक आते ही सबसे पहली चीज उठाई है गोलगप्पे, बहुत बढ़िया। तो भाई हम आ गए डायरेक्ट मेन कोर्स पे, स्नैक्स में कुछ खास लगा नहीं, तो सीधा रोटी खाएंगे भाई। यार एक तो ना म्यूजिक ज्यादा तेज है, कॉपीराइट आएगा, फिर भी आपको बता देता हूँ, ये मेरी प्लेट देख लो, ये है पालक पनीर, शाही पनीर, चावल और दाल, और यहाँ लेने आए रोटी। ओहो कंटेंट इज हियर, ये देखो ये क्या कॉम्बिनेशन बनाया दीपक ने। तो जी फाइन
फाइनली अपनी आधे घंटे की जद्दोजहद के बाद शादी में निकल रहे घर की तरफ, और ओमैक्स सोसाइटी के हमारे ग्रुप में पता मैसेज आ रहे हैं, भाई पूरा पलवल ब्लॉक है, बराती पैदल चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही है और दूल्हे राजा पैदल चल रहे हैं। ये हालात है आज पलवल के, पूरा ब्लॉक है फुल पैक है। तो हम भी जल्दी से अपना रोड क्रॉस करके पहुंचते हैं अपनी स्कॉर्पियो में, चलते हैं घर वापस। ठीक है, हालात ज्यादा खराब हो चुके हैं पलवल के, बहुत ज्यादा खराब है। ये देख लो बाहर निकलते ही, ये देखो रोड ब्लॉक है भाई, पूरे रोड ब्लॉक है, कहीं जा ही नहीं सकते बाबा जी यहाँ से, एक डेढ़ घंटे से पहले नहीं निकल पाएंगे। एक गाड़ी खड़ी अपनी यहाँ ब्रेजा, और अपनी स्कॉर्पियो खड़ी थी यहाँ। भाई ट्रक के आ गया है क्या? अबे गाड़ी कहाँ गई? ओहो गाड़ी खो गई क्या भाई? कोई ठा तो नहीं ले गया? ओहो हो दिख गई ब्लैक बीस्ट इज हियर। भाई इन चीजों की बड़ी दिक्कत रहती है, एक तो गाड़ी चोरियां इतनी होती है ना, मेरे एक दोस्त की चोरी हुई थी, जब से मेरा टेंशन रहती है कहीं गाड़ी उठ ना जाए। खैर कोई नहीं, सेफली एंड सिक्योरली वी हैव रीच्ड एंड गोइंग बैक टू होम। तो अभी शादी में से आए हैं और फिर दीपक ने फिर खोल दिया डिब्बा। अरे यार दीपक दिस इज रॉन्ग। वाओ डिफरेंट टाइप ऑफ लड्डूज, मारो कौन सा पसंद करोगे? ये लो आपको बेसन का खिलाते हैं भाई, टूट गए तो। कंटेंट तो बना दे। ले माधव गौरव जोन, क्या देख रहे हो अम्मा के साथ मोबाइल में? ये देखो, ये देखो, क्या चल रहा है मोबाइल में? मोबाइल का इतना शौक हो गया इसको, रील्स दिखा लो कितना ही। अब पता है मेरे हाथ में दिलाने के चक्कर में। हाँ दिखा बेटा। ओ वाओ वाओ, आज तो शी ने बहुत डांस किया है शादी में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज अनदर डे। तो भाई कल देख लिया आपने कितना गंदा हाल था भाई पलवल में, और आपको मैं बताता हूँ, मैं न्यूज देख रहा था कल पलवल की, पलवल में लगा था भाई 15 किलोमीटर लंबा जाम। यू वॉन्ट इमेजिन 15 किलोमीटर लंबा जाम किसी सिटी में लग जाए तो सिटी ब्लॉक हो जाए। तो तकरीबन 11-12 बजे के आसपास पूरा जाम खुला है, और सारा जाम इस वजह से था क्योंकि ये फ्लाईओवर बन रहा है उसकी वजह से, और दूसरा शादियां बहुत ज्यादा थी कल, और हम भी कल एक शादी में गए थे जो कि आपने वीडियो देखी होगी। सो गाइज दिस इज अनदर डे, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अभी जा रहा हूँ भाई मैं जिम करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सीन बनेगा, ट्विंग हुक ले आएंगे आज। ठीक है चलो फिर जिम चलते हैं, जिम करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं अपने दिन को। तो भाई जिम हो चुकी है अपनी कम्प्लीट, और आज मारी है कौन सी बाय आउट ट्राई, और अब जा रहा हूँ वापस घर। अब इस व्लॉग को एंड कर देंगे थोड़ी देर में क्योंकि व्लॉग ज्यादा बड़ा हो जाएगा। कल से स्टार्ट किया था व्लॉग तो डेली यही हो रहा है कि मैं जिम में आके व्लॉग को एंड करता हूँ, तो सोचा कोई नहीं चलते चलते बात करते हैं। शायद मैंने लास्ट व्लॉग में अपडेट किया था आपको कि 4x4 में थोड़ी अड़चने आ रही है, और वो अड़चने क्यों आ रही है आजकल कॉन्ट्रोवर्सी, तो भाई वो नहीं हो पा रहा देख रहे हैं। बाकी आपने लास्ट व्लॉग में देखा था जो मैंने गाड़ी दिखाई थी 25 लाख की पड़ती है शायद ऑन रोड, अगर आप लोन वोन ले लेते हो वैसे 22 लाख की दिखा रहा है। तो भाई इतनी महंगी गाड़ी का क्या हो गया, ये कंडीशन क्यों है? क्योंकि पता नहीं इंडियन कंपनीज भी शायद अब थोड़ी सी लीनियंट हो गई हैं, क्योंकि जो भी फ्रांस या जापानीज कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं, कॉस्ट कटिंग के चक्कर में मैटर को थोड़ा सा पतला कर रही हैं, जिसकी वजह से सेफ्टी मेजर्स में वो फेल हो जाती हैं। देखो ये टाटा के साथ जो भी हुआ है भाई, पता नहीं क्या सिचुएशन रही होगी उस टाइम पे, क्यों ऐसा हुआ आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट जो भी हुआ है भाई इतनी महंगी गाड़ी भी फूक सकती है, तो भाई कुछ भी हो सकता है रोड पे। टाटा की इतनी महंगी गाड़ी जिसको रेटिंग ऑलमोस्ट 5 स्टार के आसपास है, उसका ये हाल हो सकता है, तो भाई कोई भी गाड़ी कुछ भी हो सकता है। इंडियन कंपनीज को पता नहीं क्या अब लगने लग गया है कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो भाई फर्क नहीं पड़ता लोगों की जिंदगी से, तो लोग भी सोचते हैं माइलेज वगैरह का चक्कर रहता है, ये जितना मेटल कम करेंगे भाई ऑब्वियसली बात है गाड़ी का वेट कम हो जाएगा, गाड़ी का वेट कम होगा तो भाई गाड़ी की स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक है सेफ्टी मेजर्स के अकॉर्डिंग। बाकी वो गाड़ी जली कैसे थी, क्या रीजन रहा वो तो मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, और मैं अभी न्यूज सर्च कर रहा हूँ, क्या पता किसी न्यूज वगैरह में आ जाए अपडेट आ जाए मैं आपको बता दूंगा। तो भाई अब घर वापस जा रहे हैं, और जिम हो चुकी है 11:34, एक तगड़े वाला व्लॉग बनाने की तैयारियां चल रही हैं जो कि आपको देखने को मिलेगा जल्दी ही, और भाई गाड़ी की भी तैयारियां चल रही हैं, एक अपडेट मैं दे ही देता हूं हर वीडियो में। भाई एक्सरसाइज करके आज बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत दिन के बाद बढ़िया वाली एक्सरसाइज हुई है, वैसे तो जब रेगुलर हो जाता हूं ना मैं तो भाई एक्सरसाइज बढ़िया हो ही जाती है, डाइट भी सुधर जाती है, तुम्हारा भाई डाइट मेंटेन कर लेता है भाई, जैसे ही एक्सरसाइज स्टार्ट डाइट मेंटेन, क्योंकि एक्सरसाइज कर रहे हो ना 80% काम डाइट का होता है, 20% काम ही होता है जिम विम का। तो भाई डाइट मेंटेन हो चुकी है, ट्रिप की तैयारियां चल रही है, तो वो आपको जल्दी देखने को मिलेगी, मे बी इसी मंथ में या नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग जो भी होगा पता
लग जाएगा। और नेक्स्ट मंथ तुम्हारे भाई का बर्थडे भी आ रहा है 8 मार्च को, तो ग्रैंड पार्टी उस पे भी करेंगे और सरप्राइज देंगे आपको कुछ अच्छे वाला, ठीक है। तो भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इफ एनी शॉर्ट ऑफ रीजन इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन और सपोर्ट करो हमारे चैनल को, जिससे कि हम और अच्छे व्लॉग्स बना पाए और मोटिवेशन मिले और हम पूरी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लिव यंग लिव फ्री। बूम।